बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम आ। जिहड़े बंदे नवा शौक कर लगे आ या परिंदे खरीदना चाहते आ ते उन्हां वास्ते बड़ी अहम वीडियो वा। ते वीडियो पूरी देखियो, वीडियो पंजाबी च जरूर आ, लेकिन गल्लां तुहानूं बहुत अच्छियां ते सच्चियां दसांगा जिन्हां नाल तुहानूं अगे जाके बड़ा फायदा होएगा, नुकसान नहीं होएगा। क्योंकि कुछ लोग जिहड़े ना जल्दबाजी च परिंदे खरीद लैंदे आ, लेकिन काफ़ी देर रखदे आ, लेकिन वो अंडे बच्चे लाउंदे होंगे, शौक टुट जाता वा, खत्म हो जाता उन्हों का शौक, खत्म कर देंगे। उन्होंने वास्ते वीडियो वा, वीडियो लाजमी वेखो, थोड़े को अच्छी ब्रीड भी करे, सारा कुछ होएगा, मतलब पैसे भी कमा सकोगे। हर गलबात थोड़े इंशाल्लाह मैं शेयर कराँगा, परिंदे खरीदने किमें आ, कि हालात होनी चाहिए उन्होंने, मैं सारा शेयर करना वा कि खरीदने। कभी भी परिंदे खरीदने पहले जल्दबाजी नहीं करनी, तुम्हें यही देखना कि मैं सस्ता मिलता पाया वा तो जल्दी जल्दी लै लीए। जे अगर थोड़ा सस्ता मिलता पाया ना तो लाजमी उन्हें कोई ना कोई नुकस होएगा, इस चीज़ का लाजमी ख्याल कर लो। क्योंकि अक्सर असी जल्दबाजी से जाने कि अगर रेट कुछ होर हों एक गल अगर मतलब एक परिंदे का फिशर ठीक है, ग्रीन फिशर उनका तकरीबन 3500 रुपया रेट आ ब्रीडर जोड़े का इस टाइम, लेकिन आपको किसी पास 2500 का मिल जाता वा। जब आप भज के जाने कि यार सही आ सस्ता वा, तेनों पता ही नहीं रेट है, आप जल्दी जल्दी खरीद के लै आए घर लिया के छड़ लेने, काफ़ी देर रखते हैं ना, अंडे लाते ना बच्चे कढ़ते हैं, तो वो उल्टा नुकसान हो जाता वा अपना। तो आप दाना उस तो ज़्यादा खवा दें, मतलब कि 1000 रुपया तो ज़्यादा दाना उन्होंने खवा दें इन्नी देर के, वो अंडे उंडे लाते ही नहीं, दिल टुट जाता वा, तो कहीं कि यार दफा मारो करे योजे शौक की फायदे योजे शौक में, ठीक है। तो दोस्तों खरीदने तो पहला लाजमी चैक कर लेना, मैं थोड़ू ऐ पकड़ के विखा दिना एक बार की चीज़ा तुम्हें इन्हों चैक करनिया वा। ऐ पकड़ लिया वा मैं, ठीक है, तो लेकिन यह है तो बच्चा वा फिलहाल, लेकिन थोड़ा मैं दसन लग्या वा की चीज़ा चैक करनिया। सब तो पहला जाना वा जाके केज के खुडे च या कलोनी च फिरते हो गए, उन्होंने फ्लाइंग चैक करनी है भी सही उठते आ, कोई मसला तो नहीं करते, मतलब कि जाली ना चिंबड़ के तो नहीं जाते, तो दोस्तों फ्लाइंग इन्हों की लाजमी चैक करनी है। अगर ये जाली ना चिमट के जाते पे है, जाली ना चिंबड़ चिंबड़ के ताम चढ़ते पे आ, फिर लाजमी गौर करना वा, तुम इन्होंने परां का मसला हो सकता वा, इन्होंने चर्बी हो सकती है, होर कोई वजह हो सकती है, बीमार हो सकते हैं, होर काफ़ी सारिया ना वजूहत बन दया। परिंदा जो भी तुम खरीदन जाने पहला सब तो पहला परिंदे च वेखना भी एक्टिव आ, बैठे तो नहीं हो एक सैर से, जेकर एक सैर से बैठे तो कभी भी खरीदने नहीं, एक्टिव होन, उड़ते फिरते होन, फ्रैश होन, ठीक है, एक दूसरे से खर्च वगैरह करते हो या आपकी खर्च करते हो, ठीक है, फिर तुम देखना वा चैक करना वा परिंदा मतलब एक्टिव हैगा वा, ठीक है, उस तो बाद पकड़ लेना वा, ठीक है, खुद ही पकड़ना वो तुम आप ही पकड़ के, सब तो पहले इन्हें नाखून चैक करने, ठीक है ना, ए नाखून दे सारे पूरे आ, ठीक है, बच्चे के दोवें पैरों के नाखून लाजमी चैक करने आ, सब तो मेन जी चीज़ है ये तो लाजमी है। अगर नाखून टुटिया होया वा या नहीं हैगा तो परिंदा कभी भी खरीदना नहीं, तुम ये लाजमी आ, ठीक है, तो उस तो बाद इनकी जी हड्डी चैक करनी है, ए सीने की हड्डी, ठीक है ना, हुण ए तुसीं देख सकते हैं कि इनकी हड्डी जी ना निकली हुई है, इनू सिप लगी हुई है, मतलब कि सोकड़ा वा इनू, ठीक है, यह चीज़ का लाजमी ख्याल करना वा, क्योंकि बच्चा वा हले तो वैसे भी इनू ये मतलब कि बीमार हो गया सीगा, तो इनू सोकड़ा हो गया सी, तो माँ प्यो इन्हां नू फीड वगैरह नहीं दे रहा सी, इनू चक के तो मैं खुद फीड करा रहा इस टाइम, ठीक है, यह जिहड़ियां चीज़ां वा यह लाजमी चैक करनिया पैंदियां, वेखनिया पैंदियां वा, सीना उहदा भरिया होना चाहिए वा, सीने तक गोश्त होना चाहिए लाजमी, ठीक है, उस तो बाद पर भी पकड़ के पर लाजमी चैक करने हैं, ठीक है, भी पर पूरे होने चाहिए आ, टुटिया ना हो गया मोढ़ा, मोढ़ा जिहड़ा वा आ जिहड़ा बाहरले पर खास करके ये टुटे ना होन, मोढ़ा अगर टुटिया होएगा कभी भी उड़ नहीं सकेगा, अच्छी ब्रीड नहीं देगा, ये नहीं भी ब्रीड देगा नहीं देगा, लेकिन अच्छी ब्रीड नहीं देगा, काफ़ी सारा जरा मसला आ जाता वा। लेकिन अगर तुम पैसे भरने ना तो मैं यही मशवरा तुम देवगा कि अच्छी शह खरीदो, अगर तुम अच्छी शह खरीदोगे थोड़ा जहा पैसे ज़्यादा भर लोगे तो मैं कहना तुम कामयाब हो जाओगे, अगर लालच चा के थोड़े जे भी पैसे आप घटा लें कि यार सस्ता मिलता पे आप लै लें, लेकिन ब्रीड नहीं करता उनका फायदा कोई नहीं, आप दुग्ध नहीं होंगे तो ला दें दवाइया दारू तो ला दें, उस तो बाद दाना काफ़ी देर खवा दें, ठीक है, लेकिन जो बिजनेसमैन आ जो बिजनेस करते वो दाने वेच दे, अगर जो बंदा शौक करता वा उन्होंने इस चीज़ ना नहीं होंगी कि दाने खाते खाई जाए, ठीक है, लेकिन आप बिजनेस करना वा तो बिजनेस के आके ये चीज़ा जारिया
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ ਪਹਿਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸੈਟਅਪ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਜਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੀਓ, ਠੀਕ ਆ। ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣੇ ਆ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੱਖੇ ਖਰੀਦੋ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ 6 ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੱਠੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੱਠੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਪਾਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਖਵਾਉਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਰੀਡ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਜੋੜੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਂਡੇ ਘੱਟ ਲਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਂਡੇ ਲਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਰੀਡਰ ਜੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਤਾ ਵਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਡਰ ਜੋੜਾ, ਅੱਛਾ ਬਰੀਡਰ ਜੋੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਦੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਗਾ, ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਵੇਖਣਾ ਸਮਝਣਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੁੱਛਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਠੇ ਦਾ ਪੀਸ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਕੜ ਕੇ ਵਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੀਨਾ ਵੀ ਵਹਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਹੱਡੀ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਕਾਠੇ ਦਾ ਪੀਸ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਟੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੀਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਹੱਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਂਗਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੱਡੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਪ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਹੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਐਡਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।